हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं प्रज्वल सिंह, आपका टॉप 10 क्लासेस में बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपका वैद्युत रसायन के बारे में बच्चों पढ़ लिया और वहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए, और आज हम आपका रासायनिक बलगतिकी के बारे में बच्चों सीखेंगे। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, रासायनिक मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्या निकलता है आपका रसायन निकला, इसका मतलब क्या निकला बच्चों, रसायन निकला। और बल गतिकी मतलब क्या आता है बच्चों, गति करना, गति मतलब वेग, वेग मतलब बच्चों आपका दर। आपके रसायन तो गति तो करेंगे नहीं, हाँ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। मतलब कहने का, रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अगर बच्चों वेग है उस पर कुछ न कुछ प्रभाव डालने वाले कारक भी होंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं उसके बारे में बच्चों हम जहां पर पढ़ते हैं उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो मतलब रासायनिक बलगतिकी क्या है बच्चों, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की वह शाखा है रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक व रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आदि। आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या निकला बच्चों, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक व रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आदि का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। अब सबसे पहले बच्चों, अब हम आपका सीखेंगे कि समय के साथ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो बच्चों अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता कैसे घटती है। तो यदि हम एक यहां बच्चों हमने क्रिया कारक लिखा, हमने क्या लिखा बच्चों आपका क्रिया कारक, और क्रिया कारक किसमें चेंज हो रहा है बच्चों, आपका उत्पाद में चेंज हो रहा है। अब इन दोनों के लिए बच्चों हम आपका ग्राफ खींचेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इन दोनों के लिए हम क्या खींचेंगे, आपका ग्राफ खींचेंगे। हमने आपका एक ग्राफ बनाया, एक एक्स एक्सिस लिया बच्चों और एक क्या लिया आपका वाई एक्सिस लिया, एक एक्स एक्सिस लिया बच्चों और एक हमने आपका क्या लिया वाई एक्सिस लिया। अब बच्चों मान लेते हैं जो क्रिया कारक, यहां पर बच्चों हम क्या मान लेते हैं आपके क्रिया कारक, यहां बच्चों हमने क्या मान लिया आपकी क्रिया कारक की सांद्रता हमने मान लिया
और यहाँ पर बच्चों को क्या मान ले रहे हैं, आपका समय मान ले रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने क्या मान लिया है, क्रियाकारक की सांद्रता, और यहाँ पर क्या मान ले बच्चों, आपका हम समय मान ले रहे हैं। और सपोज करते हैं बच्चों आपका क्रियाकारक की सांद्रता इतना है, इस पॉइंट पर हमने माना क्रियाकारक की सांद्रता इतना दिया हुआ है। अब जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर यदि हम टाइम को बढ़ाएं, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी बच्चों, आपकी घटेगी। तो ये किसके लिए है ग्राफ बच्चों, क्रियाकारक की सांद्रता और समय में ग्राफ है। अगर हम बच्चों ये उत्पाद के लिए खींचे, तो उत्पाद के लिए बच्चों आपको खींचे, स्टार्टिंग में उत्पाद कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिखा, आपका समय लिखा, और यहाँ पर दर्शा रहे उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप समय को बढ़ाएंगे बच्चों, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ेगी, उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ेगी। तो ये किसके लिए बच्चों ग्राफ है, यह ग्राफ है आपके उत्पाद की सांद्रता और समय के लिए, और ये ग्राफ है बच्चों क्रियाकारक की सांद्रता और समय के लिए। तो ये दोनों ग्राफ बच्चों इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले कुल मिला करके, लेकिन हाँ बच्चों ये जानते रहिए, यहाँ से आपके डेरिवेशन निकल के आएंगे। सपोज करते हैं बच्चों कि आपका जब टाइम, यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया आपका, जब बच्चों आपका टाइम क्या है, T1 है, T1 बच्चों आपका हमने सांद्रता को मान ले रहे हैं आपका क्या बच्चों, इस सांद्रता को हमने क्या मान लिया बच्चों, C1 है। जब टाइम T1 है तो सांद्रता ने बच्चों अपने क्या मान लिया हमने, आपका सांद्रता ने क्या मान लिया बच्चों, C1 है। और यही टाइम जो बच्चों आपको क्या हो जाता है, T2 हो जाता है, तो सांद्रता बच्चों की क्या हो जाती है, मान लिया आपको क्या हो जाती है, C2 हो जाती है। तो टाइम बच्चों क्या है, जब C1 है, सॉरी जब टाइम आपका T1 है तो सांद्रता क्या है बच्चों, T1 है। जब यही टाइम आपका T2 हो जाती है तो सांद्रता क्या होती है बच्चों, C2 हो जाती है। अब हमें बताना है कि आपकी दर क्या होगी बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर बच्चों आपको दर बतानी हो, आर बतानी हो, तो कैसे बताएंगे बच्चों, तो बच्चों आपके सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, कैसे हुआ था, सांद्रता में परिवर्तन, तो जो दर होगी बच्चों क्या होगी, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगा समय बच्चों, सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय आपका क्या बता देगी बच्चों, दर बता देगी। तो यहां पर देखिए, तो दर निकलेगी क्या बच्चों, आपकी स्टार्टिंग में सांद्रता कितना, सी वन है, बाद में कितना हो गया, सी टू हो गया, मतलब घटा है, तो मतलब आप C1 माइनस C2 लिखेंगे बच्चों, आपकी सांद्रता घटी है, इसलिए आप हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और टाइम बच्चों T1 था, अब बाद में क्या होगा, T2 हो गया, तो हमने क्या किया बच्चों, आपका T1 माइनस क्या लिख दिया बच्चों, आपका T2 लिख दिया। तो ऐसे ही बच्चों आप लिख सकते हैं, तो R बच्चों आपको क्या निकल के आए, C1 माइनस C2 अपॉन T1 माइनस T2। या तो बच्चों अगर आप इसको C2 लिखना चाहें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं सी टू माइनस सी वन अपान टी टू माइनस टी वन। और बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा अभिकारक की सांद्रता में क्या होता है बच्चों, कमी होती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो सी टू माइनस टी वन बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा सी हो जाएगा, और टी टू माइनस टी वन क्या हो जाएगी, आपका डेल्टा टी हो गया। और ये आपको क्या निकल आया बच्चों, दर निकल आई। अगर बच्चों यही हम उत्पाद के लिए भी करें, तो उत्पाद के लिए बच्चों आपकी क्या आ जाएगी, इसके लिए तो माइनस आई, और उत्पाद के लिए बच्चों यही करेंगे तो डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, उत्पाद में वृद्धि होगी तो प्लस आर का रेट ये निकला। अगर हम दोनों को देखें बच्चों, तो आर इक्वल टू हम डायरेक्टली दोनों के लिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू बच्चों आपको क्या निकल के आएगा, प्लस माइनस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग है वो क्या होती है बच्चों, आपकी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान लगा समय का जो अनुपात होता है बच्चों, वही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है। तो ये बच्चों जानते रहिए आप। जैसे कि यदि हम बात करें तो दर बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रिया का, यदि बच्चों आप इसकी मात्रक को लिखना चाहें, अगर आपको बच्चों दर का मात्रक निकला, ये बच्चों क्या आपकी सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों,
सांद्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों? मोल पर लीटर होता है बच्चों, मोल पर क्या होता है? लीटर होता है। और समय का मात्रक बच्चों, अगर आपकी कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंड में रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो उसके लिए सेकंड ले लीजिए, और टाइम में पूर्ण हो रहा है अगर आपको मिनट ले रहा है तो फिर मिनट लीजिए, और अगर आपको बच्चों घंटा है तो उसके लिए घंटा लीजिए। और यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया? आपका सेकंड ले लिया। आपका बच्चों ने क्या ले लिया? सेकंड ले लिया। तो जो मात्रक बच्चों निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये किसकी मात्रक है बच्चों? यह मात्रक आपकी दर का, मतलब आपका वेग का बच्चों क्या है? आपका मात्रक है। अब हम बात करेंगे आपका कि आपका वेग कितने प्रकार के हो सकते हैं और वेग कितने प्रकार के हो सकते हैं। उससे पहले कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर ये आपका दर का नियम हम लगाएंगे और आपको सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग की दर हम बच्चों को ऐसे बताते हैं। बच्चों आपकी रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग होती है, दर, मुख्य रूप से बच्चों ये आपकी दो प्रकार की हो सकती है। एक क्या होता है बच्चों? आपका औसत वेग होता है। एक क्या होता है बच्चों? आपका औसत दर हो सकता है। और औसत वेग लिख लीजिए बच्चों, या तो औसत दर लिख लीजिए। और एक क्या हो सकता है बच्चों? आपका तात्क्षणिक। क्या हो सकता है बच्चों? आपका तात्क्षणिक वेग, या तो बच्चों क्या लिख लीजिए? दर लिख लीजिए। अगर बच्चों यहाँ पर बात करें औसत वेग क्या होगा बच्चों, औसत वेग क्या होगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होती है बच्चों? सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या औसत दर है? तो आपका क्या होगा बच्चों? आपका जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, औसत सांद्रता में परिवर्तन, आप जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ है बच्चों उसका आप औसत लेंगे, अपान लगा जो टाइम है उसका बच्चों आप औसत लेंगे, तो आपका क्या निकल आएगा? औसत दर निकल आएगी। और तात्क्षणिक वेग, किसी भी समय किसी भी पल अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप बताते हैं, तुरंत बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और तात्क्षणिक वेग के लिए आपका जो रेट होता है बच्चों आपकी क्या होती है? आपका होता है 1/n dc/dt होता है बच्चों। ये किसके लिए है? आपका तात्क्षणिक वेग के लिए आपका ये फार्मूला है 1/n dc/dt। यहाँ बच्चों प्लस माइनस आपका लगा दे रहे हैं। प्लस क्या बता रहे हैं? उत्पाद के बारे में बताएगा, और माइनस किसके बारे में बताएगा बच्चों? अभिकारक के बारे में, क्रियाकारक के बारे में बताएगा। और ये तात्क्षणिक वेग आर क्या लिखेंगे बच्चों? अब डेल्टा सी अपान क्या लिखेंगे? डेल्टा टी लिखेंगे। तो इसके दोनों फार्मूले बस आपको बच्चों याद रखने हैं। ये आपको अगर फार्मूले याद है तो आपका एक नंबर फिक्स। अब बच्चों यहाँ पर हम आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। जैसे बच्चों हमने लिखा आपका N2 और प्लस 3s2, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? आपका 2n3 बना रहे हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है बच्चों, इसको बताए थे हाइबर नामक साइंटिस्ट ने, तो इसलिए हम इस प्रक्रिया को हमने क्या कहते हैं? आपकी हाइबर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपकी हाइबर विधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप रेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों? R=, देखिए N2 और 3s2 दोनों मिलकर क्या क्या बना रहे हैं? आपका 2n3 बना रहे हैं। तो R=, क्या होगा बच्चों? माइनस, क्योंकि इसके में तो कमी होगी बच्चों, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? D N2 नाइट्रोजन की सांद्रता अपान क्या बच्चों? dt लिखेंगे। और इसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे? S2 के लिए बच्चों क्या लिखेंगे? S2 में कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चों? -1/3 dS2 अपान क्या लिखेंगे बच्चों? आप dt लिखेंगे। अगर बच्चों यही चीज आपको N2 के लिए लिखना हुआ, NS3 के लिए बच्चों सॉरी, तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 dNS3 अपान क्या लिखेंगे बच्चों? dt लिखेंगे। तो ये बच्चों आपका दर निकल के आया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर किसी भी आपको क्रियाकारक की दर बताना हो कि वो कितना ज़्यादा किस रेट से बच्चों बढ़ रहा है या किस रेट से बच्चों उसकी खपत हो रही है, तो आप डायरेक्टली उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है बच्चों और उसमें जो लगा हुआ समय है, अगर वो उसका अनुपात ले लेते हैं बच्चों, तो आपका क्या बता देगी? उसकी दर बता देगी। और दर का मात्रक तो आपको पता है क्या होता है बच्चों? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्या होता है आपका दर का मात्रक होता है।
जैसे हमने एक एग्जांपल आपको लेते हैं आपके सामने, जैसे यम वन ए प्लस यम टू बी यन वन सी प्लस एन टू डी। अब इसके लिए बच्चों अगर आप रेट लिखेंगे तो ये क्या था बच्चों, ये सब क्या है, ये क्या थे बच्चों आपका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, रस समीकरण मिति गुणांक। और रस समीकरण मिति गुणांक हमेशा कहाँ पे जाता है बच्चों आपका, हर में जाता है। तो आप इसे क्या लिखे, अभिकारक है ना, अभिकारक के लिए आप माइनस लगाइए रेट के लिए, आर इक्वल टू माइनस माइनस, ये आपका स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, रस समीकरण गुणांक है बच्चों क्या लिखेंगे, वन बाई एम वन और डी ए अपान क्या लिखेंगे बच्चों, डी टी इक्वल टू माइनस वन बाई एम टू डी बी अपान बच्चों क्या लिखेंगे आप, डी टी, ये आप लिख लिए। अब अगला क्या है बच्चों, वन अपान एन वन डी सी अपान डी टी इक्वल टू बच्चों वन अपान एन टू डी डी अपान डी टी। तो इस आधार पे बच्चों इस रासायनिक अभिक्रिया की आप दर बता सकते हैं। तो बच्चों यहां तक आपको यदि समझ में आया तो आप बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में बच्चों इसे शेयर कीजिएगा, और यदि यहां तक कोई डाउट्स रह गए हैं बच्चों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।